चलिए आपको सीधे ले चलते हैं श्रीनगर, जहां के शेर कश्मीर स्टेडियम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक रैली को संबोधित कर रहे हैं। लेकिन मेरा मन कर गया कि जिस धरती में अभी अभी आपत्ति से लोग गुजरे हैं, मैं दिवाली मनाने के बजाय अच्छा होगा कि मैं श्रीनगर चला जाऊं और मैं यहां चला आया था। जब यहां आपदा आई, उसी समय चीन के राष्ट्रपति भारत यात्रा पर आए थे और उन्होंने डेट भी ऐसी चुनी थी कि वो 17 सितंबर को मेरे होम स्टेट गुजरात आना चाहते थे और 17 सितंबर उन्होंने इसलिए पसंद की थी कि वो मेरा जन्मदिन था और चीन के राष्ट्रपति बड़े उमंग के साथ मेरा जन्मदिन मनाने के लिए योजना बना करके आए थे। लेकिन मैंने उस समय घोषित किया था कि कश्मीर में बाढ़ के कारण मेरे बंधु पीड़ित हैं, मैं जन्मदिन नहीं मना सकता और मैंने उनका स्वागत किया, सम्मान किया, पर जन्मदिन मनाने से मना किया। मैं मेरी मां के पैर छूने गया था, आशीर्वाद लेने गया था। मेरा जो सामाजिक बैकग्राउंड है, जिस अवस्था से मैं पैदा हुआ पला बढ़ा, तो मेरी मां ने पहले जब भी जन्मदिन पे जाता था तो कभी वो मुझे 125 रुपया देती थी आशीर्वाद में, कभी 5 रुपया देती थी, ज्यादा से ज्यादा 11 रुपया देती थी। 11 रुपये से ज्यादा कभी मेरी मां ने मुझे नहीं दिया। लेकिन उस दिन जब मैं गया तो मैं हैरान था। और ये संस्कार है, ये भावना है जो मेरी रगों में भरी हुई है। मेरी मां ने मुझे, मेरे लिए भी आश्चर्य था, 5000 रुपया दिया मेरे जन्मदिन पर। और मां ने कहा, बेटा ये पैसे कश्मीर के बाढ़ पीड़ितों के लिए ले जाना। ये संस्कार की ताकत है जो मुझे आपके दुख दर्द को बांटने के लिए प्रेरणा भी देती है, ताकत भी देती है। आपका प्यार मेरा हौसला बुलंद बनाए रखता है। और जिस मंत्र को लेकर के हमने शासन व्यवस्था को संभाला है, वो मंत्र है सबका साथ सबका विकास। अगर हिंदुस्तान का कोई कोना न साथ हो तो मेरा सपना अधूरा रहता है। और हिंदुस्तान का कोई कोना विकास से वंचित रहे तो भी मेरा सपना पूरा नहीं होता है। और इसलिए हिंदुस्तान का हर कोना, हिंदुस्तान का हर भूभाग, हिंदुस्तान का जन जन, उनका हमें साथ चाहिए और हर कोने का, हर जन का विकास चाहिए। और इस सपने को पूरा करना है
मुझे भी जम्मू कश्मीर में वो दिन लौटा के लाने हैं जहां हिंदुस्तान इस सरजमीन पर आने के लिए पागल हुआ करता था। इस मिट्टी को माथे पर चढ़ाने के लिए वो लालायित होता था। अगर थोड़े से पैसे भी बच जाए तो परिवार का एक सपना होता था कि इस छुट्टियों में कश्मीर चले जाएंगे, चाहे वो केरल हो, तमिलनाडु हो, आसाम हो, नागालैंड हो, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो। हर परिवार का एक सपना हुआ करता था कि पैसे बचाओ, अगली साल कश्मीर जाने का कार्यक्रम बनाएंगे। वो दिन मुझे लौटा के वापिस लाने। 125 करोड़ देशवासियों में फिर से मुझे वो उमंग पैदा करना है, जो इच्छा को पैदा करना है, ताकि वे कश्मीर की वादियों में आकर के आपके प्यार को अनुभव करें, आपकी सेवा को अनुभव करें और प्रकृति ने जो जन्नत बनाई है उस जन्नत को जीते जी जीने का एहसास करे। ये मेरा सपना लेकर के मैं चल रहा हूं। कौन कहता है कि संकटों के बाद भी उभरा नहीं जा सकता? मैं उस विश्वास के साथ जीने वाला इंसान हूं और मैंने अपने जीवन में देखा है संकट कितने ही गहरे क्यों न हो, लेकिन एक जज्बा होता है जो संकटों को परास्त करता है और जीने की आस पैदा कर देता है। 2001 में जब गुजरात में भयंकर भूकंप आया, मौत की चादर ओढ़ करके हम सोए थे। सारी दुनिया ने मान लिया था कि अब गुजरात खड़ा नहीं हो सकता है, हजारों लोग मर चुके थे, लाखों घर तबाह हो चुके थे, पूरी अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी और सबसे बड़ी बात सपने चूर चूर हो चुके थे, आंसू पहुंचने वाला कोई बचा नहीं था। उन दिनों को मैंने देखा था, लेकिन मन में ठान ली थी कि स्थिति से गुजरात को मुझे बाहर निकालना है। और भाइयों बहनों, दुनिया कहती है, वर्ल्ड बैंक कहती है कि ऐसे भयंकर भूकंप के हादसे के बाद अगर उस राज्य को चारों तरफ से मदद मिल जाए तो भी बाहर निकलने में 7 साल से कम समय नहीं लगता है। लेकिन भाइयों बहनों, हमने जिस प्रकार से एक के बाद एक योजनाओं को लेकर के चल पड़े, 3 साल के भीतर भीतर भूकंप ग्रस्त इलाका दौड़ने लग गया था और विकास की नई ऊंचाइयों को पार करने लगा था। जो कच्छ भूज भयंकर भूकंप से पीड़ित था, वो आज हिंदुस्तान के सबसे तेज गति से दौड़ने वाले जिलों में उसने अपना नाम दर्ज करा दिया है। और इसलिए मैं कहता हूं, कश्मीर ने बहुत कुछ झेला है, अनेक संकटों से गुजरा है। दोनों पीढ़ी, उन नौजवानों के सपने चूर चूर हो चुके हैं। ये सारी बातों को जानते हुए भी मैं उस विश्वास को लेकर के निकला हूं कि मेरा कश्मीर फिर से एक बार वही जन्नत, वही जज्बा, वही खुशहाली, वो दिन मैं अपनी आंखों के सामने देख रहा हूं। और मैं सिर्फ सपने देखता हूं ऐसा नहीं, उन सपनों को साकार करने के लिए एक के बाद एक कदम उठा करके, उन चीजों को साकार करने के लिए जन जन का साथ लेकर के
सफलतापूर्वक आगे बढ़ने का प्रयास करता। 17 महीने पहले हिंदुस्तान का कोई भी अखबार उठा लीजिए, किसी भी टीवी चैनल का डिबेट यूट्यूब पर जाकर के निकाल के देख लीजिए, विश्व की कोई भी एजेंसी हो उनकी आवाज सुन लीजिए, एक ही स्वर था कि अब भारत बर्बाद हो चुका है, भारत बच नहीं सकता, भारत तबाही की कगार पर पहुंच चुका है, आर्थिक स्थिति, भ्रष्टाचार, कुशासन, भाई भतीजावाद, न जाने इतनी बीमारियों ने भारत को तबाह करके रखा है। 17 महीने पहले हर पल हमारे कान में यही गूंज रहती थी, लेकिन आज सत्य पैदा करना है, जो इच्छा को पैदा करना है ताकि वे कश्मीर की वादियों में आकर के आपके प्यार को अनुभव करें, आपकी सेवा को अनुभव करें, और प्रकृति ने जो जन्नत बनाई है उस जन्नत को जीने जी जीते जी जीने का एहसास करे, ये मेरा सपना लेकर के मैं चल रहा हूं। कौन कहता है कि संकटों के बाद भी उभरा नहीं जा सकता? मैं उस विश्वास के साथ जीने वाला इंसान हूं, और मैंने अपने जीवन में देखा है संकट कितने ही गहरे क्यों न हो, लेकिन एक जज्बा होता है जो संकटों को परास्त करता है और जीने की आस पैदा कर देता है। 2001 में जब गुजरात में भयंकर भूकंप आया, मौत की चादर ओढ़ करके हम सोए थे, सारी दुनिया ने मान लिया था कि अब गुजरात खड़ा नहीं हो सकता, हजारों लोग मर चुके थे, लाखों घर तबाह हो चुके थे, पूरी अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी, और सबसे बड़ी बात सपने चूर चूर हो चुके थे, आंसू पोंछने वाला कोई बचा नहीं था, उन दिनों को मैंने देखा था, लेकिन मन में ठान ली थी कि स्थिति से गुजरात को मुझे बाहर निकालना है। और भाइयों बहनों, दुनिया कहती है, वर्ल्ड बैंक कहती है कि ऐसे भयंकर भूकंप के हादसे के बाद अगर उस राज्य को चारों तरफ से मदद मिल जाए तो भी बाहर निकलने में 7 साल से कम समय नहीं लगता है। लेकिन भाइयों बहनों, हमने जिस प्रकार से एक के बाद एक योजनाओं को लेकर के चल पड़े, 3 साल के भीतर भीतर भूकंप ग्रस्त इलाका दौड़ने लग गया था और विकास की नई ऊंचाइयों को पार करने लगा। जो कच्छ भूज भयंकर भूकंप से पीड़ित था, वो आज हिंदुस्तान के सबसे तेज गति से दौड़ने वाले जिलों में उसने अपना नाम दर्ज करा दिया है। और इसलिए मैं कहता हूं, कश्मीर ने बहुत कुछ झेला है, अनेक संकटों से गुजरा है, दोनों पीढ़ी उन नौजवानों के सपने चूर चूर हो चुके हैं। ये सारी बातों को जानते हुए भी मैं उस विश्वास को लेकर के निकला हूं कि मेरा कश्मीर फिर से एक बार वही जन्नत, वही जज्बा, वही खुशहाली, वो दिन मैं अपनी आंखों के सामने देख रहा हूं। और मैं सिर्फ सपने देखता हूं ऐसा नहीं, उन सपनों को साकार करने के लिए एक के बाद एक कदम उठा करके, उन चीजों को साकार करने के लिए जन जन का साथ लेकर के
सफलतापूर्वक आगे बढ़ने का प्रयास करना। 17 महीने पहले हिंदुस्तान का कोई भी अखबार उठा लीजिए, किसी भी टीवी चैनल का डिबेट यूट्यूब पर जाकर के निकाल के देख लीजिए, विश्व की कोई भी एजेंसी हो उनकी आवाज सुन लीजिए, एक ही स्वर था कि अब भारत बर्बाद हो चुका है, भारत बच नहीं सकता, भारत तबाही की कगार पर पहुंच चुका है, आर्थिक स्थिति, भ्रष्टाचार, कुशासन, भाई भतीजावाद, न जाने इतनी बीमारियों ने भारत को तबाह करके रखा है। 17 महीने पहले हर पल हमारे कान में यही गूंज रहती थी, लेकिन आज 17 महीने के भीतर भीतर सारी दुनिया में, बड़े देशों में तेज गति से आगे बढ़ने वाली इकोनॉमी में हिंदुस्तान ने अपना नाम दर्ज करा दिया है। कभी भारत की तुलना चीन से कोई करने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि चीन हमसे काफी आगे निकल चुका था। आज भारत की विकास की कोई भी चर्चा होती है, आर्थिक विकास की चर्चा होती है, तो हर बार चीन के साथ तुलना होती है, और इन दिनों बार बार बात आती है अब तो भारत चीन से भी आगे निकल गया, ये 17 महीने में हो सकता है। मैं आज ही एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, अभी आते आते एक रेगुलरली हर वर्ष एक रिपोर्ट आता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, विश्व के देशों में कौन देश है जहां भ्रष्टाचार की क्या स्थिति है, क्या भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, कम हो रहा है, इन सारे हिसाब किताब करते हैं। मैंने आज ही रिपोर्ट पढ़ी, पिछले 50 साल में पहली बार भारत, और उन्होंने तुलना की है कि हमेशा चीन इस विषय में अच्छी इज्जत थी और भारत से आगे माना जाता था, पहली बार पारदर्शिता के संबंध में, भ्रष्टाचार से मुक्ति पाने की दिशा में हमने पहले भी, मैंने पहले दिन आकर के 1000 करोड़ घोषित किया था, बाद में भी जैसी जरूरत पड़ी देते रहे, और आज भी उस काम को पूरा करने में जम्मू कश्मीर सरकार के साथ दिल्ली कंधे से कंधा मिलाकर के चलेगा, ये मैं मेरे जम्मू कश्मीर के भाइयों बहनों को विश्वास दिलाता हूं। लेकिन सिर्फ आंसू पोंछ लें, उसका घर ठीक कर लें, अब दुकान ठीक हो जाए, इतने से कश्मीर की बात बनती नहीं है। कहा चाइना में बन सकता है, यहां कौन बन सकता है, कश्मीर की धरती पर भी बन सकता है। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, बिजली हो, पानी हो, सड़क हो, साथ साथ अब सिर्फ हाईवे से चलने वाला नहीं है, हाईवे का एक जरूरत है, उसके बिना चलना नहीं है, लेकिन सिर्फ हाईवे से भी नहीं चलना है, और इसलिए हाईवे की भी जरूरत है, और इसलिए हमारा लक्ष्य हाईवे का भी है, हाईवे का भी है, इंफॉर्मेशन वेज, ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, डिजिटल नेटवर्क, विश्व के साथ जुड़ने के लिए हमारे मोबाइल फोन पर दुनिया हो, वो नेटवर्क कश्मीर की धरती पर मिलना चाहिए। और जो मुफ्ती साहब कॉल सेंटर की बात करते थे, जिसके कारण नौजवान को रोजगार मिले, यहां का नौजवान बड़ी आसानी से अंग्रेजी बोल लेता है, थोड़ी सी पढ़ाई करे वो अंग्रेजी में तैयार हो जाता है। अगर हम कॉल सेंटर का नेटवर्क खड़ा करते हैं, हमारे नौजवान को यहीं पर रोजगार मिल सकता है, और उसको हम बल देना चाहते हैं। उसी प्रकार से बुजुर्गों के लिए बीमारी हो,
अच्छे दवाखानों का नेटवर्क हो, दवाइयां उपलब्ध हो, हमारे अस्पताल बने, छोटी जरूरत हो जहां छोटा बड़े की जरूरत हो बड़े, चाहे जम्मू हो, चाहे लद्दाख हो, चाहे श्रीनगर हो, हमने आधुनिक एम्स अस्पताल उसको बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे, जिसका लाभ जम्मू को भी मिलेगा, श्रीनगर को भी मिलेगा। हम आईआईटी शुरू करना चाहते हैं, आईआईएम शुरू करना चाहते हैं, ताकि हमारे नौजवान को उत्तम से उत्तम शिक्षा मिले और सस्ते से सस्ती शिक्षा मिले। ये उत्तम से उत्तम शिक्षा, सस्ते से सस्ती शिक्षा, और वो भी ग्लोबल लेवल की। अब हर एक के नसीब में इस ऊंचाई तक तो जाना संभव नहीं होता, छोटे परिवार के छोटे लोग भी होते हैं, उनको क्या किया जाए। स्किल डेवलपमेंट का हम अभियान चला रहे हैं, यहां का जो हैंडीक्राफ्ट है उसको नए सिरे से डिजाइनिंग मिले, नई टैलेंट, ग्लोबल मार्केट में कौन सी डिजाइन चाहिए उस डिजाइन से उसको काम मिले, उस पर हम बल देना चाहते हैं। स्किल डेवलपमेंट भी हमारा जो हैंडीक्राफ्ट है उसमें टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्वमेंट से स्पीड कैसे बढ़ा सकते हैं, क्वालिटी कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, वेस्टेज कैसे बचा सकते हैं, पैकेजिंग कैसे बदल सकते हैं, ब्रांडिंग कैसे कर सकते हैं, ग्लोबल मार्केट कैसे एक्वायर कर सकते हैं, उसकी पूरी चेन बना करके हम हमारे जो हैंडीक्राफ्ट है उसको बल देना चाहते हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, अच्छी शिक्षा, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए बल, बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्य के लिए व्यवस्थाएं ताकि उनकी आवश्यकताएं पूरी हो, गांव और किसान के लिए यहां की जो पैदावार है उसको बल, नौजवान को रोजगार के लिए अवसर, इन बातों को लेकर के हम चल रहे हैं। और उस सपने को पूरा करने के लिए भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर के लिए 80,000 करोड़ रुपया का पैकेज देने का घोषित किया। मेरे नौजवानों, मेरी दिली इच्छा है ये 80,000 करोड़ रुपया आपके भाग्य को बदलने के लिए काम आना चाहिए। कश्मीर के नौजवान को ताकत देने के लिए पैसा काम आना चाहिए। एक नया कश्मीर, एक आधुनिक कश्मीर, एक प्रगतिशील कश्मीर बनाने के लिए ये 80,000 करोड़ रुपया लगना चाहिए। ये सपना लेकर के मैं आपके पास आया। और मेरे भाइयों बहनों, इसे आप पूर्ण विराम मत समझना। ये 80,000 करोड़ को पूर्ण विराम मत समझना, ये तो सिर्फ शुरुआत है। जो बातें मैंने बताई उसको करके दिखाइए। ये दिल्ली का खजाना आपके लिए है, ये दिल्ली का खजाना आपका है, और दिल्ली का खजाना नहीं, ये दिल भी आपके लिए है मेरे भाइयों बहनों। मैं लद्दाख के भाइयों का विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि पिछले दिनों जो चुनाव हुआ हिल काउंसिल में, हमारे एमपी साहब और उनकी पूरी टीम को जमहूरियत का जो बल मिला और पूर्ण बहुमत के साथ जो बॉडी बनाया, उसके लिए लद्दाख के भाइयों को भी मैं आज कश्मीर की धरती पर आया हूं हृदय से अभिनंदन और आभार व्यक्त करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, ये विकास जम्मू हो, कश्मीर वैली हो या लद्दाख हो, हर एक की आवश्यकता के अनुसार विकास को प्राथमिकता देकर के आगे बढ़ाने की मेरी चर्चा मुख्यमंत्री जी और वित्त मंत्री के साथ हुई है, और उसी की तरह उसको आगे बढ़ाया जाएगा। मैं फिर एक बार कश्मीर की धरती को नमन करता हूं, आप सबको शुभकामनाएं देता हूं।
और नौजवानों के भरोसे से एक नया कश्मीर, एक नया ताकतवर कश्मीर उसे बनाने के लिए और आगे बढ़े। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं।